हेलो स्टूडेंट्स, तो आज थोड़ा लेट हो गए थे, थोड़ा मौसम थोड़ा खराब था इस कारण से। तो आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। जैसा कि अपने बात हुई थी अपनी कि न्यूमेरिकल पोर्शन रह गए हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के और डाइपोल के, तो आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के रूप में कर रहा हूँ, ठीक है? तो जिससे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन का बेसिक बना रहे आपके पास, आपको एकदम से थ्योरी थ्योरी पे ना होता रहे, तो आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी होती रहे। तो मैं साथ में कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर लूंगा, जिससे अपन अपने नए टॉपिक्स के ऊपर इजीली जा पाएंगे। तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल कंप्लीट हो चुका था, वहां तक हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक कल अपन शुरू कर देंगे अपना, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और गॉस थ्योरम तक अपन जाएंगे। तो आज अपन न्यूमेरिकल का पिछला वाला काम पूरा का पूरा खत्म कर लेते हैं। तो आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स मैं यूज कर रहा हूँ। सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस के ऊपर। तो एक मिनट, आप उसको स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। स्क्रीन पे जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मैं एक बार रीड कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास एम केजी एंड चार्ज क्यू कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ईच एल मीटर लॉन्ग बट ऑफ नेग्लिजिबल मास इफ क्यू इज द एंगल ईच थ्रेड मेक विद द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। शो दैट, आपको शो करके लेके आना है कि जो चार्ज है इनका क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 mg L² साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा ब्रेक इट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको अपन करना स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जिस तरीके से बोला गया है, तो हम इसका डायग्राम फॉर्म कर रहे हैं कि किसी सॉलिड जगह से एक पेंडुलम के अंदर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सस्पेंड किए गए हैं, कुछ इस तरीके से देखने में। मास इसका भी एम है और इसका भी एम है। इस टाइप का मैं क्वेश्चन करना चाहता था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लिया है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड से इतना कुछ खास लेना देना है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे छूट गया था, तो मैं सोच रहा था कि मैं आपको करवा दूँ, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आपके RBSE की बुक्स में, CBSE की बुक्स में और कॉम्पिटिशन में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है? दिख जाएगा आपको। तो ये चार्ज है क्यू और ये वर्टिकल से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। इसका चार्ज भी क्यू है और इसका चार्ज भी क्यू है। इसकी लेंथ बोली गई है, जो लेंथ रखी है अपन ने बोली रखी कितनी एक्स। इसको मैं आपसे थोड़ा सा आपके दिखाने के लिए बताया था, ये थीटा एंगल, इसे हम मान लेते हैं कुछ एक्स। तो ये एक्स होगा, तो ये भी आपको पता है सबको कितना होगा एक्स, ठीक है? ये थीटा है तो ये भी थीटा एंगल फॉर्म करेगा। सबसे पहले ये लाइक चार्जेस हैं, तो इन लाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है सबको पता है रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और रिपल्सिव फोर्स लगती है अवे फ्रॉम द चार्ज, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज रिपल्शन फोर्स। वेट, चाहे कहीं पे भी बॉडी हो, वेट हमेशा कहां लगता है? नीचे की तरफ। और जब कोई चीज मासिव बॉडी किसी पे हो, तो उसके ऊपर एक टुवर्ड द सेंटर टेंशन लगती है, जो आप लोगों ने 11th में बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको परफॉर्म किया है, ठीक है? ये इसकी बेसिक फॉर्मूले लग रहे थे, इसके ऊपर बेसिक फोर्स लग रही थी। अब मैं इसको कुछ एंगल पे फॉर्म करता हूँ। अगर ये थीटा एंगल है, तो आप सबको पता है ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। थीटा क्या नाम दे देंगे इसको आपके पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस तरीके से आपको लगता है, ठीक है? तो ये अगर टेंशन टी लग रही थी थीटा, तो ये वाली चीज लगेगी टी कॉस थीटा एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू टी साइन थीटा, सबको पता है, ठीक है? अब हम इसकी इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं। तो फ्रॉम फिगर हम कह सकते हैं कि दैट एफ फोर्स बैलेंसेस, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, क्वेश्चन आपने देखा था एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा, ठीक है? F को ओपन कर देते हैं, तो सबको पता है K, that is 1 upon 4 pi epsilon naught, मैं सीधा कर रहा हूँ, language यूज नहीं कर रहा, ठीक है? 1 upon 4 pi epsilon naught, Q और Q बराबर है, नहीं, Q का square, upon distance between the two charges, x and x, that is 2x whole square, is equal to, इसको नाम देते हैं, O, A, M, B,
ओके okay, तो डायग्राम आपके पास में बनके तैयार है। डायग्राम मैंने बना दिया है क्वेश्चन को रीड करके, पर आप क्वेश्चन से मैच कर ले इसको किस तरीके से सेटअप किया है मैंने। ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं इसके आगे की बात कि अब आगे क्या करें। तो सबसे पहले मैंने इसकी सारी की सारी फोर्सेस सेटअप कर दी है कि किस पे कौन सी फोर्सेस लगेंगी। आपने 11th के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार देखे। ठीक है अब अगर मैं देखूं कि क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसे ये इक्विलिब्रियम पे है तो मैं इसकी इक्वेशंस फॉर्म कर रहा हूं कि इसके एफ बराबर होगा इस पे लगने वाले रिपल्सिव फोर्सेस के कारण। तो जिस पे फोर्स लग जाता है बैलेंसेस विद द टी sin थीटा। सो मैं कह सकता हूं एफ शुड बी इक्वल टू या फ्रॉम फिगर एफ शुड बी इक्वल टू टी sin ऑफ थीटा। एफ की वैल्यू क्या होगी तो आप सब जानते हैं कि क्योंकि k दोनों चार्ज इक्वल है तो q का स्क्वायर, q1 q2 होता है, q का स्क्वायर between distance between them का square, तो x और x मैं ले रहा हूं 2x का whole square। ओके t पे बात करते हैं, t क्या है तो t अभी फिलहाल at present रखने देते हैं, sin theta को भी एक बार के लिए रखने देते हैं, equation number first बना के इसको एक बार skip कर देते हैं। question में दिए गए given और दिए गए अपने show that के अंदर कहीं पे भी x का जिक्र नहीं है, तो आपको एक तरीके से ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं कि मुझे यहां से x को एलिमिनेट करना है क्योंकि मेरे आंसर्स में कहीं भी x नहीं आ रहा, और x और अननोन और नोन के बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम राइट ट्रायंगल ओ एम ए। अब जानते हैं ये हो जाएगा थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं बोल सकता हूं x by l is equal to sin of theta, यानी जहां लगा है x वहां लगा सकता हूं l sin theta। तो put x in equation first, तो बन जाएगा k cube का square 2 की जगह लिख देते हैं अपन अपना 2 और x के जगह यूज कर देंगे l sin theta whole square। ये वैल्यू हो जाएगी टी साइन थीटा की, इसे बना लेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 जो फर्स्ट टाइम ड्राइव हुई है। फिर अगेन हम जानते हैं कि टी कॉस थीटा एमजी बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा बैलेंसेस विद द एमजी। ठीक है इसे बना लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3 और अगर मैं डिवाइड कर दू इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन थर्ड तो क्या बन जाएगा अपने पास में, यहां देख सकते हैं टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू, ठीक है साइन थीटा जो अपने पास आ गया था फ्रॉम इक्वेशन टू टी साइन थीटा ये इक्वल है के, मैं इसको लिख रहा हूं 1/4 pi epsilon naught क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर दैट इज 4 या फिर चाहे मैं इसको पूरा लिख देता हूं या तो आपके पास में कंफ्यूज हो रहे तो 1/4 pi epsilon naught इनटू क्यू स्क्वायर तो था डिवाइडेड बाय इसको लिखूंगा तो 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसके डिवाइड वाला आएगा तो नीचे आ जाएगा आपके पास आपका t से t कट रहा है sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा mg को ऊपर फेंका तो बन जाएगा mg tan थीटा इज इक्वल टू q स्क्वायर, ये वाली साइड टर्म नीचे जाएंगे इससे तो बन जाएगा 4 pi epsilon naught अंदर आ जाएगा 4 l स्क्वायर sin स्क्वायर शिफ्ट कर रहा हूं सबको तो बन जाएगा 4 pi epsilon naught 4 l square sin square theta tan theta is equal to square। अब आप अपने सॉल्यूशन से जो आपको शो कर दिया होता है उससे आप इसको मैच कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल होगा। ये बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल था, मैं कुल मिला के इसमें आपको नॉलेज देना चाहता था कि इस तरीके से पेंडुलम से कोई क्वेश्चन रिलेटेड आए तो इक्वेशंस फॉर्म कैसे करनी है। अब ये पूछ सकता है आपसे, चार्ज पूछ सकता है, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने का, कभी डिस्कस कर हुआ तो डिस्कस भी करेंगे उस क्वेश्चन को भी। तो मैं कहना चाहता था कि कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इक्वेशंस फॉर्म करना मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक है